स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि कोमिडिया विक्टोरियंस वर्सेस रंगपुर राइडर्स, यानी मैच जो है सीओबी वर्सेस आरएन टी20। हम लोग बात करेंगे पिच रिपोर्ट्स पे कि ये वेन्यू किस प्रकार से बिहेव करती है, बात करेंगे प्लेयर्स के स्टेट्स पे, हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इन दोनों टीमों के। अगर इन दोनों टीमों की मैं प्लेइंग इलेवन की बात करूं तो यहां से हमारा कोमिडिया विक्टोरियंस जो मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर सेक्शन, लिटन दास है जो बैटिंग ऑर्डर यानी फर्स्ट पोजीशन, एमरुल काइल से जो कैप्टेंसी कर रहे हैं टीम से, मोसादक हुसैन ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि आंद्रे रसल इस मैच में खेलने वाले हैं। तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट जो बात है कि यहां से जो टीम का कॉम्बिनेशन होगा काफी मजा आएगा, क्योंकि एक तरफ थोड़ा वीक है और एक तरफ थोड़ा स्ट्रांग टीम है। यहाँ से आंद्रे रसल की बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको नजर आएगा, फिर जाकर अली है, फिर आपका सुनील नारायण है जो खेलता हुआ नजर आएगा, तनवीर इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान है, मोकेदुल इस्लाम है, खुशदिल शाह है। ये था हमारा कोमिडिया विक्टोरियंस का प्लेइंग इलेवन। क्या कुछ चेंजेस होंगे प्लेइंग इलेवन में, हम लोग बात करेंगे आगे। उसके बाद रायपुर राइडर्स की अगर प्लेइंग इलेवन की बात करो तो यहाँ से नईम शेख है जो ओपनिंग आएंगे, नूरुल हसन है, शुएब मलिक है जो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, उसके बाद रॉनी तलुकदार है, सिकंदर रजा जो ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आएगा, उसके बाद मेहदी हसन है, बेनी ओविल है, राकिबुल हसन है, राकिबुल हक है, उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाही जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इनको नीचे लिखा है लेकिन ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ड्रीम इलेवन के टीम में नजर आएंगे। उसके बाद हसन महमूद है। क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाला है, क्या क्या हम लोग ग्रैंड लीग जीएल रोटेशन कर सकते हैं, क्या इस मैच में क्या पिच स्कोर क्या स्कोर होने वाला है, बैटिंग फर्स्ट क्या होगा, फिर बैटिंग सेकंड क्या होगा। अगर यहां से मैं पिच रिपोर्ट्स इस वेन्यू की बात करूं, जो वेन्यू है हमारा शेर ए बंगला स्टेडियम ढाका का है, यानी ये मैच जो है शेर ए बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। यहाँ का इंपॉर्टेंट बात है, डेट जो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और मैच ये 41 है, मैच नंबर 41। उसके बाद अगर मैं पिच रिपोर्ट्स की बात करूं तो द पिच एट शेर बंगला स्टेडियम बॉलिंग फ्रेंडली। यहां से क्लियर व्यू पता चलता है पीछे का स्टेट्स, पीछे का रिकॉर्ड्स, अगर पीछे मैच का अगर एनालिसिस करें तो इस पिच पे जितने भी मैच हुए हैं ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हाई स्कोरिंग मैच अगर नहीं है तो यहां से हम लोग बॉलर सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए ऑलराउंडर सेक्शन ऐसे सेक्शन जो कि आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी होगा और उनके स्पेल के पूरे ओवर भी होंगे। तो जैसे मैं यहां से पिच रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर जो है यहां 135 का दिख रहा है और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 140 का है। यानी फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है सेकेंड इनिंग के कंपेयर में। तो यहां पर कोई भी टीम क्या चाहेगी, जैसे मैं टॉस होता है, टॉस होने के बाद अगर वो टॉस विन करती है तो पहले चाहेगी कि वो बॉलिंग करे। तो यहां से हमारा मैचेस वन जो बैटिंग फर्स्ट है वो एक है, जो जिन टीमों ने बैटिंग पहले की है उन्होंने सिर्फ एक मैच जीती है। अगर मैं लास्ट पांच मैच का बात करूं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, तो जो इस पिच का जो रिकॉर्ड है शेर ए बंगला स्टेडियम का, जिन्होंने बैटिंग पहले की है उन्होंने सिर्फ एक मैच जीती है और जिन्होंने बैटिंग सेकेंड में की है उन्होंने चार मैच जीता है। यानी अगर रेशियो देखा जाए तो बहुत ज्यादा का अंतर है। तो यहां पर कोई भी टीम चाहेगी कि टॉस जीत के पहले हम लोग क्या करें, तो टॉस जीत के वो बॉलिंग लेना चाहेगी। उसके बाद लास्ट फाइव मैच अगर मैं रायपुर राइडर्स की बात करूं कि क्या इसका रिकॉर्ड रहा है लास्ट फाइव मैच का, तो लास्ट फाइव मैचेस में इन्होंने काफी विन किए हैं, यानी ये टीम जो है स्ट्रांग है ऑन द पेपर। और यहां से अगर मैं सीओबी यानी कोमिडिया विक्टोरियंस की बात करूं तो ये भी कम नहीं है इससे, लेकिन इन्होंने एक दो मैच अपने लॉस किए हैं। तो यहां से अगर विन प्रोबेबिलिटी देखें तो दोनों टीम ऑन द पेपर स्ट्रांग नजर आ रही है। उसके बाद मैं यहां से प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है उस पे मैं दे देता हूं, तो वहां से टीम फाइनल टीम हमारी टेलीग्राम लिंक पे ही जाता है। फिर रायपुर राइडर्स के प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यहां से आपको बैटिंग सेक्शन में या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको प्रमोट किया जा सकता है, जैसे अजमतुल्ला अमर जाही से बॉलिंग कराई जा रही है तो यहां से इसे ऊपर भी बैटिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है। उसी तरह से यहां अगर मैं देखूं खुशदिल शाह जो कि कंप्लीट बैटिंग बैट्समैन है और इनसे बॉलिंग कराई जा रही है तो खुशदिल शाह को भी ऊपर प्रमोट किया जा सकता है। तो हम लोग आज बात करेंगे जीएल के रोटेशन पर, बात करेंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैसे टीम हम लोग को बनानी है, वो टीम कैसे रैंक करेगी, जीएल का रोटेशन कैसे करना है, फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे, आप जीएल की टीम अगर अच्छी लगाते भी हो और उसमें
कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर आप सिलेक्शन सही से ना कर रहे हो तो वो मुश्किल होता है ग्रैंड लीग को विन करना। तो आज हम लोग खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन पर बात करेंगे क्योंकि ऑलराउंडर सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होता है T20 के फॉर्मेट में, और यहाँ से भी कुछ ऐसे ऑलराउंडर सिलेक्शन है जिसे आप छोड़ के जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे आंद्रे रसल है, फिर सुनील नारायण है, ये सब अभी पहला ही मैच खेला है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सिकंदर रजा है, मेहदी हसन है, बी हवेल है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर सिलेक्शन के प्लेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैटिंग फ्रेंडली तो पिच है नहीं, यहाँ से लग रहा है स्कोर आपका एवरेज स्कोर जो बनने वाला है इस पिच पे 140 से 150 का स्कोर दिख सकता है। दूसरी बात है पेसर्स या स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प है, तो मैं अगर देखूं पीछे का रिकॉर्ड्स तो उसमें स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है पेसर्स के मुकाबले। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, जब भी टीम वन बनाएंगे तो टीम वन में हम लोग देखेंगे कि कैसे टीम को बनाया जाता है, यानी हम लोग चेंजेस करेंगे, डिफरेंशियल पिक करेंगे। जब मैं स्पोर्ट्स लूंगा विकेट कीपर सेक्शन से और फिर बैट्समैन सेक्शन या ऑलराउंडर सेक्शन से, तो उसको देखते हुए हम लोग टीम बनाएंगे। जैसे यहां से मैं बात करूं कोमेलिया विक्टोरियंस की, तो मोहम्मद रिजवान जो काफी अच्छे फॉर्म में है वो बैटिंग के लिए आएंगे, ओपन करेंगे टीम के लिए, तो ये विकेट कीपर सेक्शन में आपको नजर आएगा। उसके बाद विकेट कीपर सेक्शन में आपको यहां से मैं देखूं कोमेलिया विक्टोरियंस की, तो जाकिर अली विकेट कीपर सेक्शन में है। फिर नईम सैफ की बात करूं तो ये तो ओपन करेंगे टीम के लिए, और यहां से अगर मैं विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं तो नूरुल हसन काफी अच्छे कंटेंडर है टीम के लिए। तो जैसे मैं यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का मैं नाम बताऊं, तो यहां से जो जीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो यहां से हमारा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिसे लेके जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसे मोसादेक हुसैन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सेकेंड डाउन पोजिशन पे बैटिंग भी होता है और अच्छा खासा बॉलिंग भी होता है इनका। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होने, अगर मैं यहां से इन दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करूं तो यहां विकेट कीपर सेक्शन में कुछ ऐसे कंटेंडर है जिसे कोई छोड़ के जाना पसंद नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी टीम वन का कॉम्बिनेशन अभी लगाएंगे, ये हमारा होगा टीम वन का कॉम्बिनेशन, यहां हमारा है विकेट कीपर सेक्शन, ये हमारा बैट्समैन सेक्शन, और ये हमारा बॉलर सेक्शन, और ये हमारा ऑलराउंडर सेक्शन, और ये हमारा बॉलर सेक्शन। तो हमने क्या किया है, टीम वन का कॉम्बिनेशन में विकेट कीपर सेक्शन से हमने दो स्पोर्ट्स को चुना है, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन से हमने 3 स्पोर्ट्स को रखा है, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इससे मैंने 4 प्लेयर्स को चुना है। यहाँ पर 4 स्पोर्ट्स मैंने लिया है और उसके बाद बॉलर सेक्शन से मैंने 2 प्लेयर्स को लिया है। अब मान के चलो यहां से बॉलर सेक्शन से मैंने 2 प्लेयर्स को लिया है, तो यहां से अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो 3 और 3, यानी दोनों टीम से आप 3-3 बॉलर्स को रख सकते हो। जैसे ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो अपने ओवर के पूरे अपने स्पेल के पूरे ओवर डालेंगे, तो यहां से अगर देखूं तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया है, ये हमारा 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है और ये 3-3 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन की, तो यहां से हमारा मोहम्मद रिजवान जो फिक्स होने वाला है इस टीम के लिए, यहां से मैं मोहम्मद रिजवान जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है इस टीम के पर्पस से और अच्छे रिदम में भी है, फॉर्म में भी है प्लेयर। उसके बाद मैं इस विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं तो रैंकउट राइडर्स के तरफ से जो काफी इंपॉर्टेंट है और टीम के लिए कैप्टन भी है, तो वो है हमारा नूरुल हसन। ये हमारा नूरुल हसन जो कि ओपन करेंगे टीम के लिए। अब यहां से हमारा आता है बैट्समैन सेक्शन, आप यहां से डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, जैसे विकेट कीपर सेक्शन में 2 प्लेयर 2 स्पोर्ट्स को लेके गया हूं, यहां से आप एक को ड्रॉप करके यहां आप बॉलर सेक्शन में ला सकते हो। यानी आप सिर्फ मोहम्मद रिजवान के साथ जाओ और बॉलर सेक्शन को 3 स्पोर्ट्स कर सकते हो। अब यहां से हमारा बैट्समैन सेक्शन है, तो बैट्समैन सेक्शन में जो काफी इंपॉर्टेंट बैट्समैन सेक्शन है हमारा, यहां से खुशदिल शाह को मैंने नीचे प्रमोट किया है लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, इसे प्रमोट किया जाता है कभी कभी ऊपर भी बैटिंग के लिए और बॉलिंग भी कर रहे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। यहां से मैं देखूं अगर तो मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो कि सबसे पहले मैं रखूंगा, वो है हमारा लिटन दास
जो कि इम्पोर्टेंट कंटेंडर है इस टीम के। उसके बाद यहाँ से इमरुल कैश को मैंने ड्रॉप किया इस टीम में, यहाँ से चलूंगा खुशदिल शाह के साथ, जो कि नीचे मैंने लिखा है लेकिन इसे ऊपर बैटिंग के लिए प्रमोट किया जाता है और अपने ओवर के स्पेल ओवर्स भी डाल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट कंटेंडर है खुशदिल शाह। यहाँ हमारा एक स्पॉट खाली रहता है, मैं चाहूंगा कि इस टीम से जो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पर देखूं अगर, तो रॉनी तलुकदार और शोएब मलिक में से किसी एक के साथ जा सकते हो या फिर नईम शेख के साथ भी आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि यहाँ से अगर आप एक स्पॉट को हटाओ तो यहाँ से आप नईम शेख की जगह, यहां से मैं क्या करूंगा शोएब मलिक के साथ चलूंगा। शोएब मलिक आप यहाँ पर डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, जैसे यहां से आप बैट्समैन सेक्शन से ले ऑलराउंडर सेक्शन से आप ले करके यहाँ पर आप बैट्समैन सेक्शन में एक प्लेयर्स बढ़ा सकते हो। बैट्समैन सेक्शन में एक प्लेयर्स बढ़ाने का मतलब है कि ऑलराउंडर सेक्शन का स्कोर 3 ही रखना है। तो जैसे यहां से आप क्या कर सकते हो नईम शेख के साथ या फिर नईम शेख या आरटी यानी रॉनी तलुकदार के साथ जा सकते हो। तो ये था हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि ऑलराउंडर सेक्शन क्या होने वाला है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन की, तो काफी इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेयर्स है जो कि कल की मैच के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छे ड्रीम टीम के मेंबर बन सकते हैं, जैसे आंद्रे रसल जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे कॉमेलिया विक्टोरियंस की तरफ से। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आंद्रे रसल को रखूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ से सुनील नारायण जो कि आपको अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं कल ड्रीम टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुनील नारायण, तो यहाँ से आंद्रे रसल और सुनील नारायण को मैंने पिक किया है। दो स्पॉट में मैं रणपुर राइडर्स की टीम के प्लेयर्स को चुनूंगा। यहाँ से मैं देखूं अगर तो ऑलराउंडर सेक्शन में सिकंदर रजा, मेहदी हसन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और अजमतुल्ला उमर जाई। अगर मैं यहां से जाऊं तो यहां से मैं सिकंदर रजा और मेहदी हसन को मैं पहले इस टीम में रखूंगा। उसके बाद अगर बात करूं सिकंदर रजा की और अजमतुल्ला उमर जाई की, तो यहां से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, जैसे अजमतुल्ला उमर जाई और डिफरेंशियली पिक करना है आपको सिकंदर रजा, इन दोनों में आपको डिफरेंशियली पिक करना है। किसी किसी टीम में सिकंदर रजा और किसी किसी टीम में अजमतुल्ला उमर जाई को पिक करना है। और ये था हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे बॉलर सेक्शन। तो बॉलर सेक्शन से आप क्या करोगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है, जैसे यहां से मैं बॉलर सेक्शन की बात करूं तो तनवीर इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान है, मोकिदुल इस्लाम है, खुशदिल शाह तो यहाँ ऊपर आ गया बैट्समैन सेक्शन में। तो यहाँ से 3 बॉलर्स है। और यहाँ से अगर मैं देखूं बॉलर सेक्शन, रकीबुल हसन, रबीउल हक, अजमतुल्ला उमर जाई, ये तो ऑलराउंडर सेक्शन है, और हसन महमूद। अगर मैं बॉलर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ से हमारा टी इस्लाम जो काफी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है टी इस्लाम यानी तनवीर इस्लाम का। और यहां से अगर मैं एक स्पॉट की बात करूं बॉलर सेक्शन में, तो यहां से मैं रकीबुल हसन या फिर डिफरेंशियली पिक आप रबीउल हक को कर सकते हो, रबीउल हक। और यहां से आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, किसी किसी टीम में आप यहां से मोकिदुल इस्लाम को या फिर मुस्तफिजुर रहमान को आप ले सकते हो, मुस्तफिजुर रहमान या फिर मोकिदुल इस्लाम। यहां डिफरेंशियली पिक आपको करना है किसी किसी टीम में, जब नेक्स्ट टीम बनाओ तो यहां से आप डिफरेंशियली पिक मुस्तफिजुर रहमान या फिर मोकिदुल इस्लाम को पिक कर सकते हो। तो ये था हमारा टीम वन का कॉम्बिनेशन जो कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। अब हम लोग दूसरे टीम का जो कॉम्बिनेशन जो टेलीग्राम पे मैं दे रहा हूं, तो वहां से आप चेंजेस कर सकते हो। जो मेरा फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पे होगा, क्योंकि टॉस के बाद लाइनअप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको उसी अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जब भी टॉस होगी तो हम लोग लाइनअप देख के प्लेइंग इलेवन को देख करके जो कंफर्म प्लेइंग इलेवन है यही है, लेकिन एक आध चेंजेस हो सकता है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टीम को चेंजेस करेंगे। और फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन की जहां तक बात आती है, तो मैं यहां कैप्टन और वाइस कैप्टन देने वाला हूं।
कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर। कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन होने वाला है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो पॉइंट वन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इस टीम से अगर देखो तो मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे कंटेंडर होंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं रखूंगा यहां आंड्रे रसल को। आंड्रे रसल, उसके बाद मैं कैप्टेंसी की बात करूं तो यहां से मैं रखूंगा मोहम्मद रिजवान को। अगर मैं थ्री की बात करूं तो यहां से ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जैसे खुशदिल साहब, या फिर क्या होगा कि ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, यानी ऑलराउंडर सेक्शन। अगर मैं थर्ड की बात करूं इस टीम की, तो यहां से मुझे मुसादक हुसैन, और यहां अगर मैं चार की बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर जो होने वाले हैं, वो हमें यहां से खुशदिल सा नजर आ रहे हैं, तो यहां से मैं खुशदिल सा। तो ये तो हमारे जो कोमिलिया विक्टोरियंस की तरफ से इंपॉर्टेंट कंटेंडर थे कैप्टन और वाइस कैप्टन से। अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कल की मैच के लिए, तो यहां मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है अजमतुल्ला उमर जाहिर। अजमतुल्ला उमर जाहिर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर होंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरा बात करूं तो यहां से मुझे बैटिंग सेक्शन अगर देखूं, तो यहां से मुझे नईम शेख भी अच्छे कंटेंडर लग रहे हैं कल के मैच के लिए। और अगर मैं थर्ड पोजीशन पे इस टीम के लिए रखूं, तो यहां से मुझे रॉनी तलुकदार या शोएब मलिक में किसी एक को आप कर सकते हो। यहां से मैं ऑलराउंडर सेक्शन को ज्यादा प्रमोट करूंगा। यहां से मैं सेवंथ में मेहदी हसन को आप, ये टीम का कॉम्बिनेशन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो कंटेंडर मैं दे रहा हूँ, आप जब भी टीम लगाओ, मैक्सिमम टीम लगाओ, तो उसमें डिफरेंशियली कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ से हमारा मेहदी हसन हो गया, और यहाँ से अगर मैं बात करूं शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक भी अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं कल के मैच के लिए। शोएब मलिक तो यहां से शोएब मलिक भी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। और अगर मैं लास्ट की बात करूं नाइन में, तो वो है हमारे सिकंदर रजा। और अगर यहां से मैं बात करूं इसमें से, तो यहां आप या तो रॉनी तलुकदार, ये थे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो अच्छे कंटेंडर हैं, जो अच्छा ग्रैंड लीग पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स दे सकते हैं, आपके ड्रीम टीम के मेंबर दिख सकते हैं। तो वो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिसे मैं टॉप में रखा हूँ, आंड्रे रसल, दूसरे में मोहम्मद रिजवान, तीसरे में मुसादक हुसैन, चार में खुशदिल शाह जो की काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाहिर, नईम शेख, मेहदी हसन, शोएब मलिक, सिकंदर रजा या रॉनी तलुकदार को रखा हूँ। तो ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो अच्छे कंटेंडर है।